नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक क्लास सिक्स का विंशः पाठ अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश से तात्पर्य है कुछ ऐसे गद्य दिए जाते हैं, ऐसा एक पैराग्राफ दिया जाता है जो अपठित होता है, जो आपने नहीं पढ़ा होगा उसे पढ़कर आपको उसमें से जो क्वेश्चंस बने हैं उनके आंसर आपको उसमें से ढूंढ के देने हैं। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। पाठ मानव जीवने वृक्षाणां महत्वम प्राचीन कालात एव अस्ति। देखिए, मानव जीवन में वृक्षों का जो महत्व है वो प्राचीन काल से ही है। यथा हृदयम शरीरे कार्यम करोति, जिस प्रकार से हृदय जो होता है, हमारा जो हर्ट होता है, वो शरीर में कार्य करता है, तथा एव पर्यावरणे वृक्षा संतुलन संपादयन्ति। देखिए, उसी प्रकार पर्यावरण में वृक्ष जो है वो संतुलन का संपादन करते हैं, मीन्स संतुलन बनाए रखते हैं। कौन? वृक्ष। दिवसे वृक्षा कार्बन डाइऑक्साइड वायु ग्रहणम कुर्वन्ति, ऑक्सीजन वायु च विसर्जयति। देखिए, दिवस में अर्थात दिन में, डे टाइम में क्या होता है कि जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर विसर्जित करते हैं, मीन्स बाहर निकालते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसके बदले हमें ऑक्सीजन वायु जो है वो देते हैं। वृक्षाः अस्मभ्यम अन्नम शाकम फलानी अन्यानि च बहूनी उपयोगिनी वस्तूनि यच्छन्ति। देखिए, वृक्ष जो होते हैं वो हमें अन्न, साग, फल, साग मीन्स होता है सब्जियाँ, फल और भी बहुत उपयोगी वस्तुएं हमें जो है वो देते हैं। ते तापमान से प्रदूषण से च नियंत्रणम अपि कुर्वन्ति। देखिए, वो तापमान को, प्रदूषण को भी नियंत्रित करके रखते हैं। वायुमंडलम रक्षन्ति शोधयन्ति च। देखिए, वायुमंडल की रक्षा करते हैं और उसे शुद्ध भी करते हैं। वायुमंडल में से बहुत ही विकारक जो है, विनाशकारी जो गैसें होती हैं उनको वो ले लेते हैं और उसके बदले हमें शुद्ध जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अस्मिन् युगे पर्यावरण से प्रदूषणम अवरोधनम केवल वृक्षा एवं समर्था सन्ति। देखिए, अस्मिन् युग में, हमारे अभी के टाइम में, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में जो केवल सक्षम है वो कौन है? वृक्ष ही, और वो ही समर्थ भी है। देखिए, अब इस पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मानव जीवन में केषां महत्वम प्राचीन कालात एव अस्ति। देखिए, मानव जीवन में किसका महत्व प्राचीन काल से है? तो उत्तर आ जाएगा, मानव जीवने वृक्षाणां महत्व प्राचीन कालात एव अस्ति। उत्तर है, मानव जीवने, मानव के जीवन में वृक्षों का महत्व प्राचीन काल से है। क्रमांक दो, पर्यावरणे वृक्षा संतुलन कथम संपादयन्ति। देखिए, पर्यावरण में वृक्ष जो है वो किस प्रकार से संतुलन बनाए रखते हैं? तो उत्तर है, यथा शरीरे हृदयम कार्यम करोति तथा पर्यावरणे वृक्षा संतुलन संपादयन्ति। देखिए, जिस प्रकार शरीर में हृदय कार्य करता है उसी प्रकार पर्यावरण में वृक्ष भी संतुलन बनाए रखते हैं। ग, वृक्षा किम ग्रहणन्ति किम च विसृजन्ति। वृक्षा कार्बन डाइऑक्साइड वायु ग्रहणम कुर्वन्ति, ऑक्सीजन वायु च विसर्जयन्ति। देखिए, वृक्ष जो होते हैं वो क्या ग्रहण करते हैं और क्या विसर्जित करते हैं? तो उत्तर आ जाएगा, वृक्ष जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को विसर्जित करते हैं। प्रश्न है, वृक्षाः अस्मभ्यं कानि वस्तूनि यच्छन्ति। वृक्ष जो है वो हमें कौन कौन सी वस्तुएं देते हैं, है ना, क्या क्या देते हैं हमें, क्या क्या प्रदान करते हैं? तो उत्तर आ जाएगा, वृक्षाः अस्मभ्यं अन्नम शाकम फलानि अन्यानि च बहूनि उपयोगिनी वस्तूनि यच्छन्ति। देखिए, वृक्ष जो होते हैं वो हमें अन्न, साग मीन सब्जी, फल और भी अन्य बहुत सी उपयोगी वस्तुएं जैसे लकड़ी प्रदान करते हैं, है ना, तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं जो हमें प्रदान करते हैं। अंग, ते कयो नियंत्रणम कुर्वन्ति। वो किसको नियंत्रित करके रखते हैं? तो उत्तर आ जाएगा, ते तापमानस्य प्रदूषणस्य च नियंत्रणम कुर्वन्ति। देखिए, वृक्ष जो होते हैं वो तापमान को और प्रदूषण को नियंत्रित करके रखते हैं।